अस्सलाम वालेकुम, दी नॉलेज अकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 8 मिनट इस वीडियो को दे दी और कोई भी इसका कंटेंट मिस ना किया, पूरी वीडियो देखी, तो आपके सोशल वेलफेयर ऑफिसर एग्जाम के टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप नए आने वाली कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन मिस ना करें, क्योंकि इस हवाले से मैं आपके साथ मज़ीद बहुत सारे वीडियोज़ शेयर करने वाला हूँ। तो 2017 में आखिरी बार सोशल वेलफेयर ऑफिसर का टेस्ट हुआ था, जिसका कॉन्टेंट कुछ ऐसे था कि उसमें 80% जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट था और 20% जो है वो जनरल नॉलेज का टेस्ट था। लेकिन इस बार जो टेस्ट होने वाला है उसका 50% जो है वो सब्जेक्ट टेस्ट है और 50% ही आपका जनरल नॉलेज है। और यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ कि 2017 में जो आपका सोशल वेलफेयर ऑफिसर का टेस्ट हुआ था, उसमें जो 80% सब्जेक्ट टेस्ट था, उस 80% में से 70% कॉन्टेंट जो है वो सोशोलॉजी से लिया गया था। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सबसे अच्छी तैयारी जो है वो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की ही करें। अगर आपने इसी तरीके से इसकी तैयारी की, सोशियोलॉजी को आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, तो इंशाल्लाह आपका जो सब्जेक्ट टेस्ट है उसमें आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकेंगे। दूसरा पार्ट है, यहाँ पे 50% ही आपका पोर्शन होगा जनरल नॉलेज का, जिसमें पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात, मैथ, उर्दू और इंग्लिश है। तो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करने वाला हूँ वो बुक्स, वो कंटेंट आपके साथ मैं शेयर करूंगा, जहां से आप इजीली दोनों पार्ट्स की तैयारी कर सकें, आपके जनरल नॉलेज की तैयारी भी हो सके और आपके सब्जेक्ट टेस्ट की तैयारी भी हो सके। सबसे पहले हम सब्जेक्ट टेस्ट की बात करते हैं, तो यहां भी हमारे पास जो पहली बुक मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है सोशियोलॉजी बाई हार्ट एंड हार्ट। ये जनरल सोशियोलॉजी की बुक है, बहुत ही ईजी इसका कॉन्टेंट है पढ़ने में। आपको इस किताब को पढ़ने का तरीका अब क्या है कि आपने इसके चैप्टर को एक बार रीड कर लेना है, एक दफ़ा आप इसका चैप्टर रीड आउट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि चैप्टर के एंड पे जो इसने ग्लॉसरी दी होगी, जो इसकी की टर्म्स दी होंगी, इसने हर चैप्टर के एंड पे इसने की टर्म्स दी हैं जिनकी डेफिनेशन अलग से लिखी गई है दोबारा से, तो आपने उन की टर्म्स को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। और आपके सामने यहाँ पर इसका ये लिस्ट ऑफ कॉन्टेंट्स भी डिस्प्ले हो रहा है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो सके कि ये बुक आपके कौन कौन से टॉपिक्स जो वो कवर कर रही है। तो ये ऑलमोस्ट, क्योंकि ये जनरल सोशियोलॉजी की बुक है, इंट्रोडक्शन की बुक है, तो ये ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स ही कवर कर लेती है सोशियोलॉजी के। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी बुक की तरफ। जो मैं दूसरी बुक आपको रिकमेंड करने वाला हूँ है जॉन जे मैक्योनिस की बुक सोशियोलॉजी की। ये किताब की तैयारी करना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि 2017 में जो सोशियोलॉजी लेक्चरार का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था पीपीएससी के थ्रू, उस सोशियोलॉजी लेक्चरार और सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में इस बुक से ऑलमोस्ट 50-60% कॉन्टेक्ट लिया गया था। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका पेपर जो है वो ऑलमोस्ट इस किताब से सेट किया गया था। यहाँ कहने का यह मकसद हरगिज़ नहीं है कि अब भी यही क्वेश्चन रिपीट होंगे, लेकिन हम रिलाई कर सकते हैं कि पास्ट पेपर्स को या पास्ट एक्सपीरियंस को देखते हो। तो ये बुक मैं आपके सामने डिस्प्ले भी कर रहा हूँ, ये सॉफ्ट फॉर्म में इजीली अवेलेबल है, मेरे पास इसका 14th एडिशन है। अगर आप चाहिए हो तो आप ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू ये ले सकते हैं, चैनल पर दोनों ईमेल्स और व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद हैं। इसमें भी इसको भी देखें पढ़ने का तरीका इसी तरह कि आप इसकी रीडिंग करें और हर चैप्टर के अंदर ये देखें। जैसे मैं एक चैप्टर दिखा रहा हूँ, फैमिली के चैप्टर है, इसमें जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें जो की टर्म्स हैं वो इसने चैप्टर के अंदर ही हाईलाइट की हुई हैं, चैप्टर के अंदर भी हाईलाइट हैं और चैप्टर के एंड पे भी इसने की टर्म्स अलहदा से दिए हैं, ग्लॉसरी दी हुई है और बुक के एंड पे इसने सैम्पल टेस्ट भी दिए हुए हैं। तो आप उन टेस्ट को भी देख सकते हैं, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स इसने हर चैप्टर के एंड पे दी हुई हैं। तीसरी बुक जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है लेक्चरर सोशियोलॉजी गाइड बाय डोगर ब्रदर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर सादत फारूक की लिखी हुई किताब है। तो जो सोशियोलॉजी लेक्चरर का एग्ज़ाम आया था 2017 में हुआ था लास्ट टाइम, उसमें काफ़ी सारा कॉन्टेंट तो जॉन जे मैक्योनिस से लिया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हम कह सकते हैं कि 15% पोर्शन वो इस बुक से भी आया था। तो आप इस बुक को भी इस अच्छे से पढ़ लें। चौथी बुक है जॉर्ज रिट्जर की सोशियोलॉजी थ्योरी की, हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। ये लेंथी बुक है और थ्योरेटिकल बुक है, इसको पढ़ना मुश्किल है। अगर आप इसको नहीं पढ़ लेते तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते तो आपको जो इससे पहले डोगर्स ब्रदर्स की बुक बताई है आपको, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपकी थ्योरी जो है वो कवर हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन भी काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेंट उसके अंदर थ्योरी का MCQs के हवाले से। मेरे पास एंथ्रोपोलॉजी का ये इंसाइक्लोपीडिया हार्ड फॉर्म में अवेलेबल है, आई डोंट नो कि ये शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारे MCQs और CSS के पास्ट पेपर्स जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी के मिल जाएंगे, इजीली अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए हो तो मुझसे भी ले सकते हैं, मेरे पास भी हैं। ये वो सारी बुक्स हैं जो मैं रिकमेंड करता हूँ आपके लिए। इतनी सारी बुक्स देख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है,
आपने आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको सब कुछ आता है, तो आपने इसको सिर्फ एक दफ़ा गो थ्रू ही करना होता है। अब हम आते हैं जनरल नॉलेज के पोर्शन की तरफ। तो जनरल नॉलेज में हमारे पास यहाँ पे जो है पास्ट पेपर या मॉडल पेपर्स की बुक है। ये बुक लिखी है एम इम्तियाज़ शाहिद ने। इसके काफ़ी सारे एडिशन्स हैं, हर चंद माह के बाद इसका एक नया एडिशन आ जाता है। ये मेरे पास 65th एडिशन भी है, मेरे पास इसका 66th एडिशन भी है, 63rd एडिशन भी है। इसमें क्या है कि इसमें पास्ट पेपर्स जो हमारे पीपीएससी के होते रहते हैं हर साल के, इसने वो पेपर्स इसमें जो है कंबाइन कर दिए हैं। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ 63rd एडिशन। इसमें देखें ये इसने कंटेंट दिया, और देखें 2019 के अंदर जो एग्ज़ाम्स हुए हैं पीपीएससी ने, जो जो पेपर्स लिए हैं वो पेपर्स इसके अंदर इसमें इसने दिए हुए हैं, कंपाइल करके दे दिए हैं और सॉल्वड हैं इनके अंदर, इनके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ नीचे से ये इनके पेपर, ये देखें। अब ये लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का पेपर था केयर टेकर के लिए, तो ये पेपर इसमें दिया हुआ है पूरा। इसी तरीके से 2019-20 में 18 में जो भी पेपर्स हैं वो इन बुक्स में दिए हुए हैं, तो जो इसने आंसर्स हैं वो भी इसने हाईलाइट कर दिए हैं साथ ही, जैसे कि आप एंड पे जाके वो ए बी सी ऑप्शंस देखते रहें, वो मुश्किल होता है बार बार सफ़े पलटाना। तो इसमें जो है ये जनरल नॉलेज के हवाले से जो जो पेपर्स होते हैं वो जनरल नॉलेज के इसमें सारे इसने पेपर्स वो दे दिए 2019 के और 18 के या 20 के। दूसरी बुक जो आपको रिकमेंड करने वाला हूँ इसी तरह से मॉडल पेपर्स के हवाले से है, वो ये बुक है। ये इसके राइटर दो हैं जी, गुलाम शब्बीर, और दूसरे इसके राइटर हैं मोहम्मद सुहेल भट्टी। तो आप ये बुक भी ले सकते हैं, जो बुक मतलब आपको इजीली अवेलेबल हो जो मिल जाए वो आप ले सकते हैं। जो इम्तियाज़ शाहिद की बुक्स हैं वो शॉर्ट फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, वो आपको ऑनलाइन आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर आप हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फेसबुक ग्रुप का लिंक मैं आपको दे दूंगा, मैंने बल्कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे दिया, आप वहाँ से लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे पास काफ़ी सारा डाटा पड़ा हुआ है सोशियोलॉजी, सोशल वर्क और जेंडर के हवाले से। मतलब कहने का मकसद ये है कि आपको ऑनलाइन बहुत सारा डाटा मिल जाता है, बजाय इसके कि आप बुक्स नई नई किताबें ख़रीदें काफ़ी सारी जैसे मैंने आपको दिखाई। तो अगर आपको ऑनलाइन डेटा मिल जाता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप मेरे से भी ले सकते हैं, हमारे ग्रुप से भी ले सकते हैं। ये जो अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रही है सीएसएस के पेपर्स हैं, मेरे पास तकरीबन 2003 से लेके 2016 17 18 तक के काफ़ी सारे पेपर्स पड़े हुए हैं। सॉल्व क्वेश्चंस हैं, ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल हैं, मिल जाते हैं इजीली। ये एमसीक्यूज़ हैं काफ़ी सारे मेरे पास जो रिपीट होते रहते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से पीपीएससी के पेपर्स में। और बस आपको ये करना है कि आपको टाइम डिवाइड करना है कि, और रोज़ाना का टाइम आपको फ़िक्स करना है कि इतना टाइम मैंने देना है अपनी तैयारी को, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले सकेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।